मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष विषय में मैं जब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैवल करता हूं, कुछ लोगों से मिलता हूं, उस पर जो कुछ प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जैसे अभी हाल ही में मुझे आज का ये वीडियो बनाने का एक आइडिया कहें या यूं कहें कि मुझे कैसे पता लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन एक महिला मुझे मिली, उसने कहा कि मैंने सेंट्रल लंदन में बहुत सारे अपने बुटीक ब्यूटी पार्लर खोले, वो बहुत अच्छी थ्रेडिंग करती, जो महिलाएं आईब्रोज बनाती हैं, पुरुष तो कम ही बनाते हैं, मैनीक्योर पेडीक्योर ये जो लेडीज़ के कुछ श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसका वो काम करती है। उसके 13-14 कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर थे जहाँ पर वो काम करती थी, कुछ मॉल के अंदर, कुछ शॉपिंग मॉल के अंदर, जहाँ जहाँ पर छोटी छोटी शॉप थी, लेकिन आज वो सिर्फ 4 रह गई। उसके पीछे मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि बाकी कारण तो आप बताएंगे श्रीमानी जी, लेकिन मुझे जो कारण समझ में आया कि मेरे यहाँ से काम सीख कर वो लड़कियों ने अपने अपने बुटीक और ब्यूटी पार्लर खोल दिए हैं। मैंने कहा जी आप कहाँ से सीख कर आई थी, क्या आप कोई भगवान के घर से सीख के यहाँ डायरेक्ट पहुँची थी? क्या नहीं, मैंने भी बर्मिंघम के अंदर एक जगह थी, वहाँ से मैंने इसको सीखा था और फिर मैंने अपना ये खोला था। तो मैंने कहा आपने भी तो वही काम किया है। तब उनको समझ में आया हम खुद करें तो सब ठीक है, दूसरे करें तो हमें लगता है हमारा काम सीख कर वो गई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आज का मेरा जो विषय है वो बड़ा भावनात्मक है, क्योंकि ये उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो नौकरी करते हैं या फिर अपने यहाँ लोगों को नौकरी के लिए रखते हैं। जैसे हम घर के सर्वेंट या ऑफिस के सर्वेंट के लिए रखते हैं, गार्ड रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, ये लोग हमारे बहुत करीब रहते हैं और हमें बहुत करीब से ये लोग जानते भी हैं, इसलिए इनका साथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मगर वही बहुत सारे लोगों की यह एक समस्या है, एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि उनके या वर्कर टिकते नहीं हैं, ढंग से काम नहीं करते हैं, 10 दिन होते हैं काम छोड़ के चले जाते हैं, महीने भर में काम छोड़ के चले जाते हैं, और वो काम छोड़ के चले जाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से 3 इंपॉर्टेंट कारण जो मुझे समझ में आए हैं मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ और मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इन 3 कारणों पर गौर किया तो यह निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपकी वर्कर की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। ये 3 में से सबसे पहला कारण है बिहेवियर। जहां तक संभव हो अपने वर्कर से प्रेम से बात करनी चाहिए। मैं आपको मेरा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं बहुत सारे देश विदेश यात्राएं करता हूं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी हैं। आपको बताइए कि टेलीविजन और इन सब चीज़ों में काम करते हैं तो काफ़ी चीज, लेकिन मैं ये भेदभाव नहीं करता हूँ कि मेरा जो साथ में काम करता है उसके कपड़े भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। वो जो मैं भोजन करता हूँ, जो हमारे घर में खाना बनता है वही भोजन वो करता है, ऐसा नहीं उसके लिए भोजन कोई हल्का भोजन आएगा, उसकी चाय पीने तो उसके दूध कमज़ोर होना चाहिए, वो खाना खा रहा है तो मैं अगर घी लगा रहा हूँ तो फिर उसको तेल लगाने के लिए दे दिया जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे काम करने से कोई पैसा नहीं बचता है, उल्टा नुकसान ही होता है। तो प्रेम से बात करनी चाहिए और उनका वेतन बिना किसी ठोस कारण के कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे घर की या हमारे घर का कोई मेंबर, मान लीजिए आपके पति कहीं जॉब करते हैं, बाहर जॉब करते हैं और वहां वेतन रोक दे, आपको कितना बुरा लगेगा? तो आप अगर ऐसा करते हैं तो उसे बुरा लगेगा, और मन में और उनसे अगर अच्छा व्यापार किया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। अब मान लीजिए कि आप किसी वर्कर को रखते हैं, मैं यहाँ पर नौकर शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग घर में हमें एक प्रश्न करते हैं कि श्रीमाली जी हमारे घर में नौकर नहीं टिकते हैं। मैं नौकर शब्द पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं वर्कर बात कर रहा हूँ। तो जो वर्कर है अगर आप उसके साथ अच्छी भावनात्मक बिहेवियर नहीं करते हैं तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कत्ल कर देते हैं, आग लगा देते हैं, चोरी कर देते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं। वहीं अगर आप उसके सुख और दुख के भागी बन जाए तो वह वर्कर आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ज्यादातर कोशिश तो यही होगी। और इसलिए एक तो ये पहला बिहेवियर वाला, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं बॉलीवुड में सबसे बड़ा अगर किसी को स्टार मानता हूं तो वह है श्रीमान अमिताभ बच्चन। आज भी कितनी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि तकरीबन जब मैं लंदन में था अभी कुछ दिनों पहले, तब मैंने उनकी न्यूज वहां देखी थी कि 30 या इसके आसपास साल में उनके यहां पर कोई जॉब करता था, उसकी डेथ हो गई। तो अभिषेक बच्चन और श्रीमान अमिताभ बच्चन दोनों ने उसे कंधा दिया था। अब देखिए ये होता है बिहेवियर, जो हम अपने लोगों को जीते जी उसने हमारी इतनी सेवा की, मरणोपरांत हम ये सोच ले नौकर था हमारा, नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है, बिहेवियर तो अच्छा होना ही चाहिए लेकिन आपकी कुंडली में
ग्रहों की स्थिति की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, वह भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसमें मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं जिसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्री में सिक्स हाउस सेवा को दर्शाता है, जॉब को दर्शाता है, और शनि और गुरु इसके मुख्य कारक माने जाते हैं। स्पेशली शनि, जो वर्कर होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम कर नहीं सकते हैं। अब गंदगी में सफाई करनी है, कौन कर सकता है बताइए? कितने लोग गर्मी के अंदर ये काम करते हैं, गंदगी साफ करना कोई आसान काम है? ये सब शनि के अंतर्गत आता है, नौकरी भी शनि के अंतर्गत आती है। वहीं अगर कुंडली में मंगली है और मंगल का दोष है मान लीजिए, तो आपका स्वभाव बहुत गर्म होगा, आप गुस्से में बहुत गलत शब्द बोल देंगे। वो गलत शब्द सुनकर जो आपका वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसे बुरा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर एक जमीर नाम का एक अंदर प्रोडक्ट फिट कर रखा है भगवान ने। वो जमीर जाग जाएगा और वो कहेगा ऐसे की तैसी तुम्हारी नौकरी की, और छोड़ के चला जाता, अच्छा भला इंसान। तो ऐसे अन्य दोष भी होते थे जिसमें अंगारक दोष होता है, कालसर्प दोष हो सकता है, ये भी एक वजह होती है। स्पेशली आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस का कमजोर होना, नीच का शनि होना, शनि की पोजिशन कमजोर होना, इससे ना वर्कर आपसे संतुष्ट होगा, ना वर्कर से आप संतुष्ट होंगे, और आप कितना भी समझाते हैं वो काम अधूरा ही करता है। इसीलिए सिक्स हाउस के स्वामी और शनि की स्थिति कुंडली में आपको पता होनी चाहिए। अगला कारण है कि कुंडली के फोर्थ हाउस और उसके स्वामी की स्थिति अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, जैसे मैं खुद का ही एग्जाम्पल दे दूं, मेरी जन्मपत्री में फोर्थ हाउस में देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वग्रही है और चंद्रमा विराजमान है। मुझे आज तक याद नहीं कि मुझे कोई छोड़ के गए हों, आज तक की बात है। जितने भी लोग चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में, या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अभी पुणे के हमारा जो सेवा करते थे, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी जब मैं पुणे जाता हूं तो वो अपना बिजनेस छोड़कर मेरी हेल्प करने के लिए, हमारे शिष्य और बहुत सारी भीड़ वहां पर होती है, उसे कंट्रोल करने के लिए, मिलने के लिए वो आज भी सेवा देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आप सबको अपना समझिए, आप इंसान में भेद मत करिए, इंसानियत को जिंदा रखिए। अब ये फोर्थ हाउस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जनता का है, पब्लिक का है, उस स्वामी की स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए, महत्व पता होना चाहिए। तीसरा कारण है वास्तु दोष, या आपका घर हो या ऑफिस हो, अगर इस पर वास्तु शास्त्र को आप छोटे मोटे, मैं दो चार पॉइंट बताता हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप ये मानिएगा कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आप उन पर पूरा भरोसा कर सकते हो। लोग करते ही है, लाखों करोड़ों रुपए उनके जो अकाउंटेंट है वो बैंक में लेकर जाते हैं, लाते हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने धोखा नहीं दिया। अक्सर लोग घर में सर्वेंट क्वार्टर जो रूम होता है, दिल्ली में भी आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लैट हैं जहां पर आपका होता है एक कमरा दे दिया जाता है, जिसका सही दिशा में न होना और सही दिशा में होना बहुत मायने रखता है। सर्वेंट रूम कभी भी दक्षिण और पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा गुरु ग्रह स्वामी के लिए उपयुक्त होती है, यानी घर का जो मालिक है उसके लिए। संभव हो तो हमारे जो लेबर है, हमारा जो एम्प्लॉय है, जो सर्वेंट है, उसका क्वार्टर उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व में होना शुभ होता है। किसी भी सूरत में, वापस बता देता हूं, किसी भी सूरत में आपका जो वर्कर का सोने का स्थान है, वर्कर जहां रहता है, उसे जो क्वार्टर दे रखा है, चाहे आपने उसको बड़ा घर दे रखा है चाहे कमरा दे रखा है, वो उत्तर पश्चिम के कॉर्नर में सर्वेंट रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायु में कौन होता है, यहां पर सर्वेंट वायु की तरह आएगा और चला जाएगा। यहां पर क्या होना चाहिए, कुंवारी लड़की जिसकी शादी आपको करनी वो होनी चाहिए, गेस्ट होने चाहिए, अगर आपकी फैक्ट्री है तो उसमें जो बना बनाया माल है वो वायव्य कोण में होना चाहिए ताकि फटाफट बिक जाए। अब यहाँ सर्वेंट भी फटाफट निकल जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वास्तु के अनुसार एक और बात का ख्याल रखने से हम अपने सेवादार लोगों से अच्छे से काम ले पाएंगे, और सिर्फ करना यह है कि अपने घर के पूर्व और उत्तर दिशा को हल्का रखने का प्रयास करें, यानी वहां ज्यादा भारी सामान नहीं रखना चाहिए। इसका प्रभाव यह होगा कि वर्कर को कितना भी काम करना पड़े उसको हार्ड नहीं लगेगा और उत्साहपूर्वक अपना काम करता रहेगा। अब मैं कुछ उपाय आपको छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, जिन उपायों को करके आपने ऊपर के तीन पॉइंट, सबसे पहला बिहेवियर, ज्योतिष और वास्तु को मैं पीछे ले रहा हूं जबकि मैं ज्योतिष और वास्तु की बात करने के लिए आया था यहां पर, परंतु मैं बिहेवियर को फर्स्ट मानता हूं, सेकेंड है ज्योतिष और थर्ड है वास्तु। अब मान लीजिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय अगर कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आपकी यह समस्या या तो खत्म हो जाएगी या लगभग खत्म जैसी हो जाएगी। सेवक को हमेशा काम पर शनिवार को अपॉइंट करना चाहिए, किन्हीं चार मंगलवार को पीली बूंदी का
हनुमान मंदिर में भोग लगाकर छोटे बच्चों को अपने वर्कर स्टाफ को बोले कि इसे प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। जैसा कि राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आप राहु काल में किसी भी सर्वेंट वर्कर की ज्वाइनिंग नहीं करें। और ये राहु काल के लिए आपको बताइए कि मैं डेली जो राशिफल देता हूं उसे बताता ही हूं। एक लघु नारियल को काले कपड़े में लपेटकर कलावा यानी मौली जो हम लोग बांधते हैं उसके साथ घर और ऑफिस में घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। इन्हीं बातों का ख्याल रखने से आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है बहुत हद तक हल हो जाएगी। और इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे यहाँ पर काम सीख कर कोई इंसान दुकान खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, वो उसका कर्म है, भाग्य है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर बनिए लोगों का जो मारवाड़ में बहुत चलन है, वो लोग क्या करते हैं, मैं अपने मामा के यहाँ पर भेज रहा हूँ काम सीखने के लिए, काम सीख कर क्या करेगा वो, मामा जैसे ही बिजनेस करेगा। तो ये मार्केट बनता है। एक आदमी ने होटल खोली है, पास में दूसरे ने खोली, घबराइए मत। आप ये सोचो चार और होटल खोलने चाहिए, मार्केट बन जाएगा। तो इन चीजों से मन नहीं सोचना चाहिए कि मेरे यहां से काम सीखकर किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, बुटीक खोल लिया, वो उसकी किस्मत है, कर्म है। हम क्यों नहीं इस कॉम्पिटिशन को एक्सेप्ट करें और अपने काम में और तब्दीली लेकर आए, बारीकी करें, परफेक्शन लेकर आए। हम और ग्राहकों से अच्छे ढंग से बात करेंगे और उनको भी ब्लेसिंग देंगे, फिर देखिएगा ईश्वर आपके बारे में चिंतन करेंगे। ऐसा मेरा सोचना है। आप लोगों को उम्मीद है कि बात समझ में भी आई होगी और इसे अपनाइएगा जरूर। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, इसे आप और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। फेसबुक से जुड़ें और उसे फेसबुक पेज को लाइक करते हैं तो आज आप और हम हमेशा उससे भी जुड़े रहेंगे। इंस्टाग्राम और ट्विटर के साथ भी आप ऐसा ही कुछ बर्ताव करें। शानदार आपका दिन गुजरे, शानदार आने वाला वक्त हो, आपके वर्कर सदैव आपके बने रहें, वफादार रहें। यह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी जुबान को यहीं विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी मेरे ग्रहों का खेल कार्यक्रम के माध्यम से पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो इनफैक्ट कई सालों से जुड़े हुए हैं। इसमें अगर आप मुझसे पर्सनली मिलें, 28th और 29th जून को दिल्ली में रहूंगा और 30th जून को मैं मुंबई में रहूंगा। अगर आप सभी हमारे इस अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, ग्रहों का खेल .co.in पर जाकर स्केड्यूल आता है, वहां जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। मैं आप सभी से शीघ्र मिलूंगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं कि जो शब्द बना है उसका वजूद जरूर होता है। जैसे समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। हमारी जिंदगी में हमारे पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध, हमारे संचित कर्म, पुरुषार्थ, कुछ भी हो सकता है, भाग्य हो सकता है, उसके अनुसार हमें जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें मिली है, लेकिन दुख, तकलीफ और कष्ट भी मिले हैं। पर इन कष्टों का छुटकारा साधनाओं के पथ पर चलकर मिल सकता है। लेकिन कौन सा उपाय करें, कौन सी साधना करें, क्या आपकी समस्या है, क्या उसका समाधान हो सकता है, इसी कड़ी में मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने के लिए आपके शहर में। समस्याओं का समाधान आप उससे टेलीफोन पर भी प्राप्त करते हैं, पर्सनली मिलकर करते हैं। बहुत सारे लोग लाइव टेलीकास्ट के माध्यम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो आज के मेरे इस छोटे से कार्यक्रम में आप देखेंगे कि मेरे जुलाई महीने का जो स्केड्यूल है कि मैं किन शहरों में रहूंगा, दूसरा मेरी चार ऐसी डेट में दे रहा हूं जिस टाइम मैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप सभी के समक्ष रूबरू होऊंगा, आप उसे डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप नोट करें डेट्स को। सबसे पहले 3 जुलाई को मैं सूरत में, 4 जुलाई को बड़ौदा और 5 जुलाई को मैं अहमदाबाद में रहूंगा। 6, 7 जुलाई और 20 और 21 जुलाई को मैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप सभी से रूबरू होऊंगा, आप उसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 20 और 21 जुलाई को मैं जोधपुर में मिलूंगा लोगों से और 11 और 29 जुलाई को मैं रहूंगा मुंबई में, 12 जुलाई को नागपुर और 13 जुलाई को मैं पुणे में रहूंगा, फिर 14 जुलाई को नासिक में रहूंगा, उसके बाद 22 और 23 जुलाई को दिल्ली में, 24 और 25 जुलाई को मैं कोलकाता में रहूंगा और 30 जुलाई को इंदौर, 31 जुलाई को बंगलुरु। इन शहरों में अगर आप रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या इसके आसपास भी रहते हैं तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इन लाइव डेट्स को जरूर संभाल के रखिएगा और उस दिन हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखकर निश्चित रूप से आप अपनी समस्या का समाधान भी जान पाएंगे। और पर्सनली मिलना हो तो आप इसके लिए जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट नोट करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं
भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं। टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।